Hey guys, good morning. Welcome back to our vlog. So guys, मैं अशोक और किशोर जा रहे हैं आज फिटुम्बे वाले महाराज जा रहे हैं, तो वहीं पे जा रहे हैं। किशोर गाड़ी लेके आ चुका है, तो इस गाड़ी पे जाएगा आज हम। भाई रस्सी चुप जाएगा नहीं यार। हम पहुंच चुके हैं, तो ये यहाँ का मेन गेट, ये भी एक मंदिर टाइप का ही है, सॉरी मंदिर ही है, बहुत पुराना है। दूसरा टाइप से यहाँ से छोटा सा गेट है, वहां से निकलेंगे। ये देख लो इतना छोटा सा गेट, सीढ़ियां क्या बात है। देखो यहाँ पे एक इमली का पेड़ है, तो बोल रहे कि ये बहुत कई सालों से इतना सही है, इससे ज्यादा अभी तक बड़ा नहीं, बड़ा तो वो टूट चुका है, पता नहीं क्या माया है। टेस्ट करते इमली के पत्ते से, इमली ये कंफर्म हो गया। वैसे वैसे ये एक हनुमान जी का मंदिर है, ये छोटा सा पहाड़ पे है ना स्थित है, तो ये यहाँ का मतलब पूरा जो बलुंदा गांव है ये इसके साइज में आता ही नहीं है, इसके साइज के नीचे ही है, मतलब पूरे बलुंदा गांव में यही एक सबसे ऊपर बना हुआ है, बाकी सब के सब कर नीचे के नीचे। कोई ठीक है, एक आदि कोई है ना, मतलब जैसे डबल ट्रिपल है ना मंजिल का अगर घर बना दे वो बात अलग होती है। अरे वैसे एक चीज़ बता, ये धान की कोटी है ना नहीं पड़ी, ये एक ही पेड़ से बनी है, बस ये ऊपर जो है ना ऊपर से मुँह के लिए ऊपर से पट्टियाँ लगाए, और ये पूरी की पूरी एक ही है। हाँ भाई, ये पूरी की पूरी एक ही पेड़ की बनी हुई है, मतलब क्या था कि पुराने ज़माने में एक पेड़ था ना कटा हुआ, तो उसके है ना अंदर एक खोल करके फिर ये इसमें डाला जाता था, तो ये एक लोती ऐसी है यहाँ पे। तो ये देख लो, ये है ना इसके यहाँ से धान निकाला जाता है, ऊपर से डाला जाता है तो यहाँ से निकाला जाता है, छोटा सा होल किया हुआ है, कई सालों पुरानी है। यहाँ पे कोई भी एक ऐसे निशान नहीं है जो कि साबित करे कि दूसरा पेड़ है या ऐसा, पूरा का पूरा एक ही है। ये दुम्बे वाले महाराज का है, और यहाँ पे ये धुनी बनी हुई है महाराज। वहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ छतरियाँ बनी हुई है उन महाराजों की, तो देखो ये है कुआ, इसके अंदर दिखाने से तो अनुमति नहीं है, तो ये इतना सही है, पूरा पूरा कुआ बना हुआ है, उसके ऊपर पट्टियाँ लगाई हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है खतरा, तो अंदर जाना सेफ नहीं होगा। भाई देखो गाइस देख लो, ये गट्टी का बना हुआ है अमी यार, ये देख लो एक कुआ है, बहुत बड़ा भाई है, ताला दे दिया उन्होंने। हमें देखा ताला दे दिया लगता है, तो ये चीज दिखाने जा रहा हूँ फिर से, एक इमली का, हाँ पोपट हो गया भाई, इमली का पेड़ दिखाने जा रहे थे। तो गाइस इतना बड़ा इमली का पेड़, और मुझे एक इमली नहीं दिख रही है भाई, रात रहती है नहीं, देख लो भाई कहाँ पे, वो देखो बहुत छोटी सी एक इमली यहाँ पे है, और ये एरी रहेंगे, देखो छोटी छोटी सी आई हुई है इमली, अभी दिखी तो चार कहाँ पे है भाई, ये तो इतु सी कह रहे हैं। तो किशोर ट्राई कर रहा है कुछ ना कुछ आइडिया लगाने के लिए, ये छोटी सी इमली का पीस पिला है इतना सा, उसे तोड़ने की कोशिश, इसकी जद एक यहाँ पे है, नहीं रे इतू सी इमली के लिए देख लो इतने मेहनत, गिरी गिरी एक गिरी एक इमली तो गिरी भाई, वो नीचे है ना, हाँ वो वाली, ये देखो इमली गाइस, तो इमली ये देख लो छोटी सी इतनी सी, एक और इससे भी छोटी थी वो किसी और ट्राई कर रहा था, दिखा दे भाई, ये देखो इतनी सी,
वाओ एक बड़ी है। हाइट ही नहीं पहुंच रही। इस इमली के पेड़ से हमने बहुत सारे इमली तोड़ लिए, इतनी भी थी नहीं तो भी देख ली, मतलब एक आधी तोड़ ली और बाकी के नीचे ही पड़ी थी तो हमने उठा ली। तकरीबन इतनी सी इमली आई है, उसमें से एक तो बड़ी है यार, और इतनी सी इससे थोड़ी ज्यादा ही है किशोर के पास, तो वो तो चले गए, मैं पीछे रह गए। एक इमली टेस्ट कर लिया, बहुत बढ़िया टेस्ट है यार, यहाँ पे गुफा टाइप का बना हुआ जगह से एक दूसरी जगह है, देख लो यहाँ पे पुराने जमाने के बने हुए, मतलब यहाँ पे भी पुराने जमाने की छतरियाँ बनी हुई है। हमारे राजस्थान में ज्यादातर छतरियों का मतलब पुराने जमाने का ही मिलता है इतिहास। जूते चप्पल खोल देते हैं यहाँ पे, ये है मंदिर और इस छतरी है, तीन समाधियां यहाँ पे, वहां पे भी छतरियां हैं बड़ी बड़ी, वहां पे दूसरी साइड से जा सकते लगता है। इसके ऊपर कैसे चढ़ होगा देख लो, वहां पे तो मतलब प्रसाद चढ़ा रही, ये है इस टाइप का, तो गांव से ये गांव ये सामने, तो यहाँ से कुछ ही दूर की है, इस टाइप का लग रहा है, बता देना। इन छतरियों पे चढ़ नहीं सकते क्योंकि भगवान का है, तो यहाँ पे मना ही हुई है, तो इसीलिए तो वापस चलते हैं अभी, तो सही है यहाँ पे ये नाडी है जहाँ पे मंदिर का चलती है। घर आ चुके हैं तो खाना खाएंगे फिर निकल जाएंगे, क्योंकि मम्मी का फोन आ गया था, तो काम है ना, चार बंदी का ही काम होगा मेरे को लगता है। टाइम तो आ रहा है लगभग 1 बजे, तो मैं अभी डायरेक्ट है ना आधी रात से आ चुका हूँ, घर जा रहा हूँ ना, तो खाना खा के डायरेक्ट निकल ही गया था, या तो गन्ने के जूस पे रुका हूँ जूस पीने के लिए, ऑर्डर तो कर दिया 1 ग्लास मेरे लिए अकेला जा रहा हूँ इसीलिए। भाई देखो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहीं पे डायरेक्ट खेत में आ गया था डायरेक्ट ही वहाँ से, तो यहाँ पे मम्मी पापा अभी खाना खाने वाले हैं, हम तो खा के आ गए, अभी मम्मी पापा भी खाएंगे। भाई देखो गाइस वहाँ से आ गए तो डायरेक्ट नाश्ते के लिए बैठ चुका हूँ, तो साइड में से है ना हमारे पास पड़ोसी है ना, वो कचौरियाँ निकालते हैं, कचौरी मिर्ची बड़ा और समोसा, तो मैंने 4 कचौरी मंगवा ली, ललित लेके आया है, वही खा रहा हूँ मैं अभी, बहुत भूख लगी है यार। तो गाइस देख लो कचौरी है, 10 रुपीज़ की बनी है, मैंने एक 4 लाई थी, उसमें से एक है मोगर वाली है, तो ये खा लेते हैं फिर स्नान करेंगे फिर रेडी। बाय द वे गाइस यहाँ पे ये इतना अच्छा काम किया है, तो मम्मी पापा भी आ चुके थे, तो स्नान वान करके अब खाना खा रहे हैं, मैं खाऊंगा नहीं, मेरा पेट फूल है, तो ये वीडियो एक प्यार करता हूँ। उबे गाइस आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को नए सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।